Hello everyone, my name is Anchal Costa and from today we are going to start our lecture on Python. So ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ये पाइथन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.python.org। ये एक पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पे आपको डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाना है और इसे डाउनलोड का बटन यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप इसमें पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये नोट में हमें क्या बता रहा है, नोट दैट पाइथन 3.9 प्लस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। मतलब विंडोज 7 में और उससे जो पुराने वर्जन्स हैं उनमें ये सपोर्ट नहीं करेगा, ये पाइथन का अपडेटेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ से विंडोज में जाके उसके जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं उसने, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर इसके जो प्रीवियस इसने रिलीज किए थे 32 बिट के पैकेज के हिसाब से, 64 बिट के हिसाब से। तो आप आपके विंडोज की कंपैटिबल जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो, जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो 3.8, 3.7, अभी 9 की सीरीज इसमें स्टार्ट हो चुकी है। अभी अगर कहा जाए तो मतलब अभी जो डेट चल रही है 29 जुलाई को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2021 में इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 जुलाई। तो अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है 3.9.6 है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ठीक है, तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तब ये आपको IDLE के नाम से सर्च करना होगा, IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस सॉफ्टवेयर को हमें, मैंने पहले से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसे मैं सिंपली सर्च करूंगा IDLE के नाम से, IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDLE पाइथन IDLE के नाम से हमें मिलेगा। ये देखें पाइथन IDLE, इसे क्लिक करते हैं। ये इसका पाइथन को यूज करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो, इसे डाउनलोड करके पाइथन का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर इसके थ्रू चला सकते हो। आपने कई जगह पाइचार्म के बारे में सुना होगा, ठीक है, और मतलब ये जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बेसिक सॉफ्टवेयर है। आपको इस पे स्क्रैच लेवल पे मतलब कोई सपोर्ट इन सपोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। जैसे अगर आपको डेटा वगैरह के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, डेटा साइंस जैसे अगर कुछ प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हो, उसके लिए क्लासेस करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसमें हमें क्या करना होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना होता है। तो डेटा को यूज करने के लिए हमें एक टेबल चाहिए होती है, मतलब एक फॉर्मेट चाहिए होता है कि हमें प्रॉपर टेबल में, जैसे एक्सेल, एमएस एक्सेल में हमें इसको यूज करना होता है। तो सारी चीजें, हमारा जो भी डेटा होता है वो एक फॉर्मेट में होता है, कॉलम वाइज सेपरेट रहता है। तो ऐसा कुछ एनवायरनमेंट अगर आपको देखना है तो इसके लिए जुपिटर एक सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट हमें मिलता है, ब्राउजर के थ्रू हम उसे चलाते हैं, ठीक है। तो पाइचार्म यूज करना चाहते हैं तो पाइचार्म में आपको कुछ हिंट्स वगैरह, मतलब हर एक एप्लीकेशन का अपना एक पर्पस होता है, यूज होता है। आप कई लोग पाइचार्म में काफी कंफर्टेबल रहते हैं, और कई लोग जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसके थ्रू उसे यूज करते हैं। तो बेसिकली बस कमांड मेथड सबकी सेम ही होती है, बस एनवायरनमेंट आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस पर उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए हमारा सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट हो चुका है, सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें ये काफी बहुत ही आसान लैंग्वेज है, ये पाइथन जो सॉफ्टवेयर है काफी इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है। तो दैट इज वाई अभी जो इस टाइम पे जो बेस्ट लैंग्वेज की जो रैंकिंग में आ रहा है वो पाइथन आ रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारी काफी हद तक इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट कर जाती है, बस आपको फंक्शंस वगैरह कॉल करने होते हैं। तो अगर हम सिंपली एक मैसेज को प्रिंट कराने की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमें सिंपली टाइप करना है, जैसे अगर आप कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सपोज मैं यहाँ पर ऐप क्रॉप टेक्नोलॉजी प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो आपको लिखेंगे प्रिंट, बहुत ही आसान है प्रिंट लिखना है क्योंकि आप इसे प्रिंट कराना चाहते हो। और जो भी मैसेज हम दे रहे हैं इसे डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में रख सकते हो आप,
इसमें चलता है डबल कोट या सिंगल कोट, आपको कोटेशन देना होगा कि आप एक स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट है, ये एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, ठीक है। अप्रॉप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बस हिट और एंटर और आपका मैसेज यहां पर प्रिंट हो गया। तो आपने यहां देखा होगा कि हमें ये जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है शेल, ये जो आईडीई है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो आप एनवायरनमेंट देख पा रहे हैं जिसमें हम टाइप कर रहे हैं, इंटरप्रेटर जिसे हम कहते हैं, तो ये एक शेल है, ठीक है, ये एक शेल है। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां हम अपना पूरा कोड लिख सके और जब हम उसे रन करें तब ये कंप्लीटली रन हो जाए। तो शेल में अगर आप किसी चीज को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सपोज 1+1=, आपको सीधे इसका आंसर मिल जाएगा, अगर a=5, यहाँ पर a पे आपने वेरिएबल पे रख दिया डेटा, b=, यहाँ पर आपने 4 रख दिया, ठीक है। अब a+b को अगर आप डायरेक्टली कर देते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न में 9 मिल जाता है, या फिर अगर आप यूज करना चाहते हैं c=a+b और सी, अभी देखिए कुछ नहीं किया है हमें, सी लिखकर अगर एंटर करेंगे तो भी हमें 9 रिटर्न आ जाएगा, या फिर प्रिंट सी इतना भी लिख देते हैं तो भी हमें इसका रिस्पांस यहीं पर मिल जाता है। तो ये शेल कहलाता है जहां पर हमें डायरेक्टली सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहां पर रन करके कमांड को हिट करके ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहते हैं, मतलब एक एनवायरनमेंट चाहते हैं जहां पर आप पूरा कोड लिख सकें, तो हमें यहां पर एक नई फाइल ओपन करनी होगी, शॉर्टकट है कंट्रोल एन, एक नया नोटपैड हमें यहां पर मिलेगा जिसके ऊपर आप अपना पूरा कोड लिख सकते हो। तो चलिए यहां पर हम अपने जो कोड हमने स्टार्टिंग का किया था, सिंपल है प्रिंट, और अभी लास्ट टाइम पे हमने डबल कोट्स लगाया था, यहां पर हम सिंगल कोट्स लगाकर चेक करना चाहते हैं, तो Approp Technologies Private Limited, ठीक है। यहां पर हमें कोई टर्मिनेटर की जरूरत नहीं होती है, टर्मिनेटर मतलब वो पिक्चर वाला टर्मिनेटर नहीं, यहां टर्मिनेटर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सेमी कोलन है जो कि हम सी लैंग्वेज में जनरली यूज करते थे, ये इस टर्मिनेटर की बात करो, इसकी हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि सी में जो रिक्वायरमेंट होती है कि हर कमांड को, हर लाइन को हमें टर्मिनेट करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन काफी इजी होती जा रही है, ठीक है। तो इसको हमें सिंपली अगर हम यहां पर एंटर करते हैं तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका आउटपुट देखने के लिए हमें सबसे पहले इस फाइल को सेव करना होगा, फाइल को हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, मैं इसे सेव कर लेता हूं फिलहाल। देखिए यहां पर कुछ इसके कमेंट्स हमें दिखा रहा है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या किया जा सकता है इसमें, तो मैं इसे फिलहाल डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं। डेस्कटॉप पर इसका नाम मैं लिख लेता हूं, माय फर्स्ट प्रोग्राम, सिंपली सेव कर लिया हमने इसे, अब हमें इसे रन करना होगा। तो यहाँ पे एक रन का ऑप्शन दिख रहा है, तो चाहे तो आप इसे F5 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट, या फिर आप इस पे यहाँ जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप इसे रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट विंडो है वो यहाँ मिलेगा शेल पे, जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो शेल पर मिलेगा। तो अभी मेरे कंप्यूटर में काफी सारी चीजें पैरेलली चल रही है, तो यहाँ थोड़ा सा हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इस विंडो को हमने काट दिया है, यहां से मैं दोबारा से इसे रन करूंगा, तो शेल देखिए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और इसका आउटपुट हमें शो करेगा। तो ये शेल ओपन हो चुका है और मेरा सिस्टम काफी स्लो हो गया है, थोड़ा हमें वेट करना होगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हमें इसका आउटपुट मिल जा रहा है, और जो फाइल हमने रन की है तो देखिए उसका एड्रेस हमें यहाँ पर मिल रहा है, और इसका नाम हमने क्या रखा है, माई फर्स्ट program.py, ठीक है। तो जो भी मैसेज हमने यहां पर दिया था वो हमें इसका यहां पर आउटपुट मिल रहा है। तो काफी आसान है इस सॉफ्टवेयर को यूज करना, इसमें जो कमांड्स दिए हुए हैं बहुत ही आसान है। तो आगे हम इसके और भी चीजों पे डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, सो प्लीज
हिट ऑन लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हम इसमें इस पाइथन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, और अगर आप पाइथन पे कुछ स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो हम उस पर आपको हेल्प कर पाएंगे।